तो यूपी चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा जहां जहां हार रही है बीजेपी वहां डीएम को काउंटिंग स्लो करने के दिए निर्देश। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर जिलाधिकारियों पर जमकर बरसे हैं। तो अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लोकतांत्रिक अंतिम लड़ाई बताया। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और वोट बचाने के लिए निगरानी करने की अपील की है। उन्होंने यूपी चुनाव को लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बताते हुए कहा कि ये सरकार अब वोट की चोरी पर उतर आई है। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हार रही है वहां काउंटिंग को स्लो करें। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 47 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ले जाई जा रही है। वाराणसी में 3 ट्रक ईवीएम ले जाए जा रहे हैं, 1 ट्रक को पकड़ा और 2 भाग गए। तो डीएम कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे, क्या मैं नहीं जानता हूं कि डीएम कौन है, मुजफ्फरनगर में पहली पोस्टिंग मैंने दी थी। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बरेली में भी एसडीएम और अधिकारियों की गाड़ी में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए। एग्जिट पोल्स इसलिए हैं कि परसेप्शन बना दे कि बीजेपी जीत रही है, जिससे हम वोट की चोरी कर सकें और वे छिप जाएं। तो सपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के लोगों से आह्वान किया है कि जब तक काउंटिंग ना हो तब तक नजर बना के रखें, वोट बचाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। तो आपको बता दें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो लोकतंत्र के लिए क्रांति करनी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि जमीन पर चुनाव बीजेपी के खिलाफ है, जनता बीजेपी से नाराज है और 47 सीटों पर बीजेपी कम अंतर से जीती थी। अखिलेश यादव ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए और सूबे के हर विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं से चौकन्ना रहने की अपील की है। उन्होंने मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहें, युवा लोकतंत्र भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तल्ख अंदाज में नजर आए और वाराणसी के डीएम को खास तौर पर निशाने पर रखा। तो आइए आपको सीधे सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। क्या आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो, मुझे कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा, अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले जाया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या भूल गए, इलेक्शन कमीशन याद नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था, हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के ज़माने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले जाया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों नहीं जानकारी दी गई, अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के। आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। तो यही तो तरीका है, जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, जहां की ईवीएम्स पकड़ी गई हैं। और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है? पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है?
आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिट पोल कर रहे हैं, क्या आप मुनाफे के लिए कर रहे थे? जो कंपनियां बड़ी बड़ी, सर्वे का पैसा कौन दे रहा उनको? और जो डेटा दिया है चैनलों को, फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है। कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है? ये तो बातें, ये सच कह रहे हैं आप जो बात, ये जो सवाल के रूप में जानकारी दे रहे हैं, ये सच्चाई है। जो आप सवाल के रूप में दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बताइए, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? वीडियोज हैं सबके। जब ये नॉमिनेशन के लिए गए आप, क्या वीडियो अवेलेबल नहीं है? क्या कार्रवाई हुई उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया, तो उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी, अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की, और आरोप लगाए समाजवादियों पर। नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें, अगर वोट दिया है तो वोट को बचाए भी तो सही। अगर ईवीएम खुली सड़क पर इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे? आपके वैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था? वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है, तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे। और मामूली चोरी है वोट की, ये लोकतंत्र के साथ है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये भी गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूं कि जो ईवीएम के मूवमेंट के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, वो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म फोर्सेस आर्म पुलिस एट ऑल टाइम्स। रिजर्व ईवीएम शुड ऑल्सो बी रिटर्न एट द सेम टाइम when the polled EVMs are returned at the receipt center. Reserve EVMs shall not be kept in the strong room meant for polled EVMs. They shall be kept in another strong room meant for keeping reserve EVMs. It must be ensured that all reserve EVMs are also deposited in the strong room meant for reserve EVMs at the same time when the polled EVMs are deposited in the strong room meant for the polled EVMs. तो ईवीएम्स के लिए बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कैसे क्या होना है। और भाई जांच भी कौन करेगा? अगर डीएम ही जांच करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए? इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है, अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा, जनता को याद है, महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए, इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना? इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। आप
मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए। अपना कैसे वोट बचाएगा, गिनने से कैसे गिनती में लाएगा। और ये कोई ये मामूली घटना नहीं है। जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 47 हैं। और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए, और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं हमारे इलेक्शन एजेंट, उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है, कैसे रखे जाएं, उन सब को समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये घबराहट है बीजेपी को। पवन पांडे जीत रहा है, ये घबराहट है। किशन दीक्षित जीत रहा है, ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं, वो अलग बात है, पान भी खाया और भाषा नहीं देखी आपने। क्या क्या प्रवक्ता की बात करते, कौन है ये चीज प्रवक्ता? कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे। क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से? क्या प्रवक्ताओं की बात करते हो आप, इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को? ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा? ये खुलेआम ईवीएम घूम रही है, कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के पास शायद कुछ जागे। ये यूपी के हैं सब, और कहाँ के हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर